शहर में घूमने लगे, पसंदीदा क्वेश्चन नहीं बना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। टेक्सटबुक ले रही हो? ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन। हाँ सर, और ऐसे भी आराम से, अभी आपके पास 1 साल पूरा है ना, सेकंड ईयर दे रहे हैं, थर्ड ईयर का पूरा टाइम आपके पास है। इधर का अपना कोर्स लोग भी अच्छे से करिए, और उधर वाला भी। हाँ ठीक है, कमेंट हाँ, तो परसेंटेज हो जाएगा तो वो भी हो ही जाएगा, है ना। चलो प्रॉफिट लॉस था, परसेंटेज भी था, कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन था, टाइम वर्क था, स्पीड एंड टाइम। चलो छोड़ो हटा इसको, चला कनेक्ट कर दो, प्रोजेक्टर ऑन करिए। चलिए, ये तो हम लोग बहुत कुछ इसमें से कर चुके थे। इसमें से तुम लोग कुछ बनाए तो हो नहीं, कुछ पूछना बेवकूफी है। Yes, I know it. ठीक है, क्वेश्चन हम बता देंगे, कोशिश करो अब शायद समझ आ जाए। स्क्रीन शेयर करना होगा ना। चलो देखो क्वेश्चन, देखो तो ये क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स 250 इज 510, व्हाट इज 10% ऑफ दैट नंबर। बन जाएगा डिफरेंस बिटवीन अ नंबर, कोई नंबर x है और उसी नंबर का 250 का जो डिफरेंस है दैट इज 510, 510 है, तो उस नंबर का 10% क्या होगा? 2/5, उस नंबर का 2/5, x into 2/5, so x minus x into 2/5 is equal to 510 है, तो x निकाल लो और x का 10% निकाल लो। चलो निकाल के बताओ, मुंडी मत हिला। डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन पढ़ो, डिफरेंस बिटवीन ए नंबर, कोई एक नंबर है एंड इट्स 2/5, तो कोई एक नंबर है उसका 2/5, हाँ मतलब एक नंबर x है और उसी का x माइनस 2/5, 2 × 5, 2/5, यहाँ से x निकालो और x जो भी होगा उसका 10% निकाल लो, आंसर आ गया। क्वेश्चन पढ़ना भी सीखो, ठीक है, हर बार वो नहीं हो पाएगा जो आप है ना, जो पास्ट में हो चुका है। x माइनस x इंटू 2/5 इज इक्वल टू 510 निकाल लो, वहां से x निकाल लो, ज्यादा कैलकुलेशन मत करना। x माइनस x इंटू 2/5 है ना, तो यहां से तुम x कॉमन ले लो, x माइनस x इंटू 2/5 है ना, तो x कॉमन ले लो यहां से, और यहां ये है 510, तो आप यहां से x कॉमन ले सकते हैं ना, जब x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2/5, बोलो होगा
जब 1 माइनस 2 बाई 5 है तो ये इतना कैलकुलेट करने का जरूरत ही क्या है, x इंटू 3 बाई 5 आ जाएगा, बेस तो जो आपका डिनोमिनेटर है वो 5 ही रहेगा, ये डिफरेंस 3 हो जाएगा, सो 3 बाई 5 इंटू ये और वो 5 10 है, तो आपका x क्या हो जाएगा, निकाल लो बस 5 10 हाँ जो नंबर आएगा उसका 10%, सो 3 बाई 5 रहते हैं 5 बाई 3 कर लो इसको, x हो जाएगा 8 हो जाएगा, जो नंबर है 5 10 इंटू 3 बाई 5, यहाँ 3 बाई 5 आया है तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 बाई 3, तो दिस इंटू x का वैल्यू कितना है 850, x का वैल्यू उसका 10% 85 10% है तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, हो गया बस खत्म, यही था क्वेश्चन, देखो दूसरे में क्या क्या किया गया है वो भी क्वेश्चन उसे यहाँ देखो, ये 15% ऑफ 40, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन जितना देखोगे ना क्वेश्चन में जितना वेरिएशन दिखेगा आंसर उतना ही आराम से आपको आने वाला है, 15% ऑफ 40 इज ग्रेटर देन 25% ऑफ ए नंबर, ठीक है, बाय 2 देन द नंबर इज, चलो इधर देखो तो इसका नाम क्या है, आशीष, इसका नाम क्या है, देवाशीष, चलो क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ो तो पहले 41, हाँ 15% ऑफ 40 इज ग्रेटर देन 25% ऑफ ए नंबर, ऑफ ए नंबर जो अननोन नंबर है, तो 15% ऑफ 40 निकालोगे माइनस 25% निकालोगे किसका, जो अननोन है मतलब x है, और वो दिया है उन दोनों का जो डिफरेंस, क्योंकि ग्रेटर बोल रहा है और ग्रेटर और लेस का पता चलता है जब आप घटाते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं तब ग्रेटर और लेस पता चलता है, तो इसमें से इतना घटाइएगा तो 2 आएगा, तो नंबर निकालना है, समझ आया प्रशांत, 20% नहीं है 25% है, 15% ऑफ 40 इज ग्रेटर देन 25% ऑफ ए नंबर, तो 15% ऑफ 40 क्या होगा, 40 इंटू 15 बाई 100 होगा, माइनस ग्रेटर देन बोल रहा है तो दिस नंबर इज ग्रेटर, तो इसमें से कुछ घटाएंगे तो ये नंबर माइनस क्या लिखा है 25% ऑफ ए नंबर, अब वो ए नंबर बोल दिया दैट मींस वो अननोन नंबर है, तो x इंटू 25 बाई 100 और वो डिफरेंस कितना है बाय 2, कितना ग्रेटर है बाय 2, तो दैट डिफरेंस बिटवीन दीस टू नंबर इज 2, तो नंबर निकालो तो x का वैल्यू निकालो, 15% ऑफ 40 इसका आएगा 6, हां 6 आएगा ग्रेटर देन 25%, देखो मतलब ये देखो वर्ड्स में अगर लैंग्वेज अगर ध्यान से पढ़ रहे हो ना उसको बस मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कर दीजिए और मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन को सॉल्व करने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या बचा बोल रहा है 15%, तो 15 इंटू 40 जो भी है 40 का ना दिस बाई 100 यही है ना इसका मतलब, 15% ऑफ 40 माइनस 25% ऑफ ए नंबर, जहां ए नंबर बोल दिया दैट मींस दैट इज एक्स, एक्स का कितना परसेंट 25%, 25/100 और ये जितना ग्रेटर है, ग्रेटर बोल दे लेस बोल दे डिफरेंस बोले दैट मींस सब्सट्रैक्शन, ग्रेटर होगा तभी डिफरेंस से पता चलेगा कितना ज्यादा, मान लो तुम्हारा नंबर 60 आया किसी का 65 आया कितना ग्रेटर है, कैसे पता चलेगा, घटा के बता रहे हो ना कितना लेस है, 5 लेस है इसका नंबर, तो कैसे पता चल रहा है, घटा के पता चल रहा है, डिफरेंस बोलेंगे तो डिफरेंस वही क्या सब्सट्रैक्शन है, तो ग्रेटर बोले लेस बोले या सब्सट्रैक्शन बोले तो समझ लो, डिफरेंस बोले तो समझ लो घटाना है, एंड दिस इज इक्वल टू कितना से ज्यादा था 2, अब यहाँ से तुमको ये x निकालना है, ये इक्वेशन बना ली, अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल है, हो गया बस यही है, तो आपको लैंग्वेज बस पकड़िए क्या बोल रहा है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कर लेंगे, आंसर कोई दूर नहीं है, x निकाल लो यहाँ से 0 0 इधर से कैंसिल हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा मैम, ये सिक्स होगा, यस मैम ये सिक्स हो जाएगा, सिक्स होगा मैम, इधर वाला 16, ठीक है 6 आंसर आ गया ना, सॉरी 16, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है रिजल्ट, रिजल्ट अच्छा, ये भी देखो क्वेश्चन उसी तरह का है, क्या हुआ बोलो, क्या नहीं समझ रहा है बताओ, इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं,
इधर देखो कैलकुलेशन। अरे तो सिंपली ये 25 को कैंसिल करो ना, 1/4 आ गया। यहाँ से 15 5 से करो, ये 3 आ जाएगा, ये 20 टाइम्स हो जाएगा। ये 20 टाइम्स करोगे तो ये 20 से 40 कैंसिल हो जाएगा दो बार में, तो इधर 3 to 6 हो गया और इधर 1/4 हो गया। 6 - x/4 दिस इज इक्वल टू 2। अब ये निकाल लो, इतना ही तो करना था। जिसको नहीं बन रहा उसको बोल रहा। रवि रंजन तुम्हारा भी बताओ, बन जाएगा? ये बना ये नहीं, ये भी नहीं पता चला। यहाँ 15 था, 3 से करो, 3 20 से करोगे तो 5 बार कितना आएगा? 6 आ गया। और इधर x/4 25 से 4 बार में 100 बन जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो x - x/4 इसको सिंपलीफाई करो, यहाँ क्या हो जाएगा? 24 - x/4 होगा। एलसीएम लो, यहाँ से 1 है मान लो, तो 24 - x/4 तो 24 - x/4 करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 को उधर लेके चले जाते हैं, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x तुमको नहीं मिलेगा, 16 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी देखो उसी तरह का है, सबट्रैक्टिंग 40% ऑफ ए नंबर, 40% ऑफ ए नंबर मतलब x × 40/100। ठीक है, फ्रॉम ए नंबर वी गेट द रिजल्ट। अब इस नंबर को, किसी नंबर को इस तरह से घटा रहे हैं तो रिजल्ट 30 आ रहा है। मतलब यहाँ दो अननोन नंबर है। सबट्रैक्टिंग 40% ऑफ ए नंबर फ्रॉम द नंबर, मतलब x, एक एक नंबर देखो, एक नंबर x है और दूसरा x का 40%, x - x / 40/100। ये जो रिजल्ट है दैट इज इक्वल टू 30 नंबर ही बता रहा है क्वेश्चन में। किसी नंबर का और उसके 40% का जो डिफरेंस है दैट इज 30। सो x निकाल लो, है ना? क्वेश्चन करो ध्यान से। सबट्रैक्टिंग 40% फ्रॉम द नंबर, फ्रॉम द सेम नंबर, वही नंबर हुआ। हाँ, किसी नंबर का 40% उस नंबर से घटा रहे हो। ठीक है, तो रिजल्ट हाँ, एक नंबर x है, उस नंबर का 40% हम घटा रहे हैं तो रिजल्ट 30 आ रहा है। हाँ, सब्ट्रैक्शन ऑफ 40% ऑफ ए नंबर फ्रॉम द सेम नंबर इज 30। व्हाट इज दैट नंबर? होगा ना, मतलब जो घटा रहा है रिजल्ट 30 आ रहा है। हाँ, उसका रिजल्ट 30 आ रहा है। चलो क्वेश्चन बना, क्वेश्चन समझ रहा हूँ भाई, अगर लैंग्वेज अगर पता, फॉर्मुलेट करना सीख है ना, तो ठीक है, बन जाएगा। लैंग्वेज अगर समझ गए किस तरह से क्वेश्चन को कैसे, वही चीज समझ रहा है तो हम बार बार पढ़ के क्या बता रहे हैं, बस तो वही चीज हम बोल रहे हैं। इतने देर से लैंग्वेज को बस इस फॉर्म में फॉर्मुलेट कर लीजिए, उसके बाद आपके क्लास में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको सॉल्व नहीं कर पाए। ठीक है, ठीक है, इक्वेशन को ही समझ रहा है तो कहाँ क्या बोल रहे हैं, जहाँ सब्ट्रैक्शन बोल दिया, डिफरेंस बोल दिया, लेसर बोल दिया, ग्रेटर बोल दिया, ये सब क्या है, एक कीवर्ड है जो याद करके रखोगे तो समझ में आ जाएगा डिफरेंस की बात कर रहा है, सम ऑफ नंबर की बात बोल रहा है, एडिशन, इसके सिवा और कोई लैंग्वेज यूज नहीं करेगा। लेकिन ग्रेटर, लेसर, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस हमेशा सब्ट्रैक्शन के केस में पूछेगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग 40% ऑफ ए नंबर फ्रॉम द सेम नंबर, फ्रॉम द नंबर लिखा हुआ है, द मींस निश्चित वही नंबर की बात कर रहा है। रिजल्ट जो है इतना है, नंबर बताओ, बस हो गया। यही तो इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा? अगर इसको 0 0 कैंसिल करो, 4 2 ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 1/43। 35% ऑफ ए नंबर इज 12 लेस देन 50% ऑफ दैट नंबर, देन द नंबर इज, किसी नंबर का 35% उस नंबर के 50% से 12 कम है। क्वेश्चन फिर से पढ़ो, 35% ऑफ ए नंबर जो बोल रहा है पहले वो लिख लो जो समझ में आए। 35% ऑफ ए नंबर बोल रहा है मतलब x का 35% x into 35 by 100 कर लो,
इज लेस देन, लेस बोला तो हम क्या बोले, जहां लेस बोल रहा है ग्रेटर बोल रहा है डिफरेंस निकालो, लेस बोल रहा है इसका मतलब ये नंबर कम है। तो देखो ए माइनस बी में ये डिफरेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है तो कहां कम होगा, ये कम होगा, ये ज्यादा होगा, होगा ना, तो ये लेस है। तो मतलब यहाँ है कि आपका 35% किसी नंबर का x का 35% जो है वो कुछ कम है, कितना कम है, 12 कम है, किससे कम है, उसी नंबर के 50% से। देखो और क्वेश्चन ठीक है, समझ गए मैं क्या क्या है, 35% ऑफ ए नंबर इज लेस देन 50% ऑफ दैट नंबर, कितना हो गया, बस यही है, समझ गए प्रशांत, 35% ऑफ ए नंबर ये लेस है। ये वाले याद रखो, लेस कौन होता है, जो घटता है वो लेस होता है, जिसमें से घटता है वो ग्रेटर होता है। तो ये ग्रेटर बोलेगा तो समझ लो ये नंबर दिया है, लेस बोल रहा है तो समझ लो ये नंबर दिया है, और बात डिफरेंस पे कर रहा है, रिजल्ट ये है, समझ गए, लेस वाला नंबर हमेशा ये होगा, ग्रेटर वाला नंबर हमेशा ये होगा, ठीक है, एक्स निकाल लो, नंबर वही है, 80 आ जाएगा, चलो क्वेश्चन नंबर 44 देखो, ये थोड़ा डिफरेंट ढंग से पूछ रहा है, अ नंबर विच एक्सीड 16% ऑफ इट बाई 42, क्या बोल रहा है, हाँ एक्सीड मीन्स बढ़ रहा है, एक्सीड तो एक नंबर है जो एक्सीड कर रहा है कितना, 15% को बढ़ से 16% को बढ़ाया जा रहा है, तो वो कितना बढ़ रहा है, 42, तो वो नंबर क्या होगा, मतलब ये है, इसको थोड़ा समझो, ये एक्सीड्स वाला बोला है, ये क्या होगा, कैसा होगा, जरा देखो बताइए तो मुझे, कोई नंबर है, हाँ जोड़ रहा है, यही चीज समझना था कि अब उस वक्त जो बोल रहा है डिफरेंस की बात कर रहा है, कोई एक नंबर है x, उसका नंबर वो मैम x x plus 16 x plus 16 नहीं 16% 16% तो ये x का 16/100 अंदर रिजल्ट कितना बढ़ रहा है 42 इसको ऑप्शन के बेसिस पे भी बनाया जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 44 ये सब क्वेश्चन को ना लैंग्वेज ऐसा बनाया हुआ है ना, घुमाया हुआ है क्या, बस क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए, आंसर 2 मिनट में आ जाएगा, क्वेश्चन में कुछ होता ही नहीं है, अगर क्वेश्चन समझ आ जाता है, इक्वेशन बना लोगे बस, ये दो सोचो तुम इक्वेशन बनाना सीखो, पहले इक्वेशन बना लिया आंसर 2 मिनट में आ जाएगा, 1 मिनट, एक्सीड्स बाय है ना, और एक्सीड्स बाय बोल रहा है तो ये प्लस नहीं माइनस 42 ना, क्योंकि एक्सीड्स बाय मींस ये इतना बढ़ रहा है ना, देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन क्या है, एक नंबर है और उसमें उसका 16% जोड़ दिए तो बढ़ गया कितना, 42 बढ़ गया, तो नंबर पहले से भी तो कुछ होगा ना, मान लो आपके पास पहले से कुछ है उसमें 42 एक्स्ट्रा जोड़ दिए तो उतना बढ़ा, कितना बढ़ा, 42 बढ़ गया, तो पहले से भी तो कुछ था, तो यहाँ जो है बोल रहा है ये डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 42, अगर इसको और अगर एडिशन वाली टर्म में लिखना है तो ये बोल सकते हो इस टर्म में कुछ और ऐड होगा, मतलब एक एक्स और आ जाएगा, एक्स पहले से था, ठीक है, ये एक्स पहले से था 1 to 70 have squares that end in the digit 1, ये जरा क्वेश्चन कितना अजीब सा है, बताओ
व्हाट परसेंट ऑफ ए नंबर, कोई भी एक नंबर है फ्रॉम 1 to 70, 1 से 70 तक जाएंगे, have squares that end in the digit 1, जिसका स्क्वायर हो, जिसका एंडिंग डिजिट 1 हो, पहले ये कंडीशन है, और वो स्क्वायर हो. What percent of a number from 1 to 70 have squares that end in the digit 1? मतलब नहीं समझ में आया? पहले 1 से 70 में जाओ. 1 से 70. तो पहला नंबर 1 है जो कि स्क्वायर है और एंडिंग विथ 1 है. दूसरा स्क्वायर अगर देखें, दूसरा नंबर क्या है, 2 लीजिएगा, 2 तो स्क्वायर है नहीं, 2 का स्क्वायर 4 जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 है, एंडिंग 6 है. स्क्वायर हो और एंडिंग डिजिट 1 हो, ऐसा कितना है ये सारा चेक करना पड़ेगा. तो पहले एक लोग देखो, 21 का स्क्वायर 441 होता है, लेकिन ये तो 441 ऊपर चला जाएगा, 9 है, तो 9 एंडिंग में 1 नहीं है. सत्तर के बीच में आ रहा है. हाँ, तो ऐसा कितना परसेंट है, तो 100% हो जाएगा. और कुछ नहीं है, 81 है. ऐसा कितना नंबर है, एक मिनट. हाँ, सत्तर तक का अगर सब स्क्वायर करोगे तो कहाँ तक जाएगा? 70 का स्क्वायर नहीं होगा, 60 का स्क्वायर नहीं होगा, ऐसे करते चले जाओगे कहाँ तक जाएगा? पूछ रहा है परसेंटेज में, सत्तर व्हाट परसेंटेज ऑफ अ नंबर फ्रॉम दिस हैव स्क्वायर. तो वर्स में स्क्वायर ये स्क्वायर तक ही है ना, मैं स्क्वायर जो करें तो 70 तक के बीच में आते हैं, नॉट 9 को 9 से करें तो 81 हो जाता है, तो 1 आ रहा है, तो 70 से कम जा रहा है. अच्छा, जा रहा है, मतलब 1 से 8 तक को देखना है. हैव स्क्वायर फैक्टर की सोचना है. तो परसेंटेज, तो परसेंटेज ये 21% नहीं हो सकता है, ये परसेंटेज तो होगा ही ना. इसे 1 टू 8 में सोचना है, 1 टू 8 ही सोचना है. क्वेश्चन पढ़ो लैंग्वेज. तो वही तो हम बोल रहे हैं, तो 81 में आ गया था, 81 आ गया था, 70 से ज्यादा हो रहा है. मैं क्या बोल रही हूं, स्क्वायर करके 70 से ज्यादा नहीं होगा. अच्छा, ये लिखा है, नहीं लिखा है, लिखा है व्हाट परसेंट नंबर फ्रॉम 1 टू 70 हैव स्क्वायर्स. इस नंबर का स्क्वायर, इस रेंज के नंबर से का स्क्वायर जो है वो एंड होना चाहिए 1. तो 9 अगर होगा, एक 1 होगा, एक 9 होगा, तो 81 बोल रहे हैं, लेकिन 1 से 7 तक का नंबर आ रहा है ना. हैव स्क्वायर्स, इस नंबर का स्क्वायर करना है, तो कि स्क्वायर ऑलरेडी है, यही दोनों डिफरेंस को समझना है ना. स्क्वायर है जो हैव स्क्वायर की बात कर रहा है, स्क्वायर है या फिर उसका स्क्वायर. क्योंकि अगर ऑप्शन में अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ पे अगर परसेंटेज अगर बोलते हैं और सिर्फ 1 लाई करता है तो वो 100% होगा, ना कि 1% होगा. बोलो, अगर 70 तक अगर आप जाते हैं तो पहला नंबर 1 होगा जिसका एंड स्क्वायर हो रहा है, और वो स्क्वायर नंबर भी है तो 1 होगा. 2, 3, 4 इस तरह जा रहे हो तो जो भी नंबर है वो क्या हो रहा है, सब एक्सीड कर रहा है. तो अगर 10 तक जा रहे हो, जो 70 तक आप जो रेंज ले रहे हैं उसमें अगर करते हैं, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसमें हो. तो अगर इसके हिसाब से सिर्फ 1 की बात कर रहे हो तो यहाँ आंसर ऑप्शन में 100% आना चाहिए. अगर परसेंटेज में पूछ रहा है तो आना चाहिए ना. परसेंटेज में वो 100% होगा. अगर आप 1 बोल रहे हो, 1 से 70 तक अगर जा रहे हैं, तो कौन सा स्क्वायर है, तो सिर्फ 1 ही है ना. तो दिस इज 100%, दिस इज नॉट 1, दिस इज नॉट 1% की आप बात कर रहे हैं, ये 100% हो गया. क्योंकि इतने में सिर्फ 1 ही है जो 1 आ रहा है, जिसका एंडिंग 1 आ रहा है, तो वो 100% होगा या 1% होगा? वो 100% होगा ना, वो 1% नहीं है. हाँ,
तो 100% हो जाएगा, तो यहाँ 100% ऑप्शन नहीं है, मतलब 70 का आपको फिर से निकालना पड़ेगा, 70 तक में जो स्क्वायर जाएगा 821 होगा, 9 होगा और क्या होगा बताओ, जोड़ते जाओ 11 होगा, 121 होगा। तो एक चीज दिमाग में रखो, जो भी नंबर होगा एक 9 को छोड़ दीजिए, बाकी सबका स्क्वायर वही होगा जिसका एंडिंग 1 होगा। पहले 11 होगा, 21 भी होगा, 31 भी होगा, 41 भी होगा, 51 भी होगा, 61 भी होगा, 71 तो होगा नहीं। तो पहले तो ये 5 हुआ, एक 9 हुआ, एक 1 हुआ, और ये सिर्फ इतना जो बोल रहे हैं हम लोग हो सकता है। दूसरा अब वो भी ऑप्शन होगा, जैसे देखो 29 करो तो 99 जो है 1, इसका भी क्या आएगा एंडिंग 1 आएगा, हाँ वही मैं बोल रहा हूं। तो अब जो पहले तो जिसका एंडिंग 1 है वो होगा, जिसका एंडिंग 9 है वो होगा, ठीक है। तो पहले 9 हो गया, दूसरा 19 हो गया, 29 भी होगा, 39 भी होगा, 49 भी होगा, 69 बस। अब कितना हुआ, उसके बाद देखो और कोई ऐसा नंबर है जिसका एंडिंग 1 होता है, क्योंकि ये हम लोग शुरुआत में पढ़े थे, याद है सबसे शुरू वाले पोर्शन में कि लास्ट टर्म क्या आता है, किसी भी नंबर का जो लास्ट टर्म है वो क्या आएगा, वो हम लोग निकालना सीखे थे ना। 15 ऑप्शन नहीं है, 14 है, तो ज्यादा दिख रहा है, 3, 4, 6 एक और 1 जो भी आएगा सब मल्टीपल होता है, दूसरा डिजिट आना है, फिर 9 में है वो डिजिट 1 आता है, और किसी भी स्क्वायर में डिजिट 1 नहीं आएगा एंडिंग में, ठीक है। टेबल याद रहना चाहिए, जो कि बहुत कम लोगों को याद है। चलो देखो तो जरा एक, इसके बाद हम लोग, हमको बताना था वोटर वाला परसेंटेज, द सम ऑफ टू नंबर इज इतना। अच्छा जरा ये देखो तो, हाँ ये क्वेश्चन देखो तो, ये इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ टू नंबर इज 28/5 ऑफ द फर्स्ट नंबर, द सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द फर्स्ट। हाँ ठीक है, प्रशांत क्वेश्चन सोचो तो जरा इसका, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 52 ये देखो। द सम ऑफ टू नंबर इज 28/25 ऑफ फर्स्ट नंबर, the second number is what percent of the first number? Language समझो, दो number का जो sum है, तो पहला number x है, दूसरा number y मान लो, दोनों का जो sum है, that is this times क्या है, इतना of the first number, मतलब अगर equation में लिखें तो हो जाएगा x plus y is equal to 28/25 into x, ठीक है मिल गया ये। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, the sum of two numbers is this of the first number, the second number is what percent of the first number, तो second number जो भी आएगा वो x के टर्म में आएगा, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, x के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, करके देखो। क्वेश्चन नंबर 52, ऑनलाइन में किसी की तरफ से आंसर नहीं आ रहा है, 12% बड़ा बात नहीं है, तो सब बना के बताओ ना। थोड़ा कैलकुलेशन माइंड में भी करना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस से होगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे वो चीज नहीं हो पाएगा। तो प्रैक्टिस करोगे तब ना, दुर्गा पूजा में कौन बोला था इतना घूमने के लिए, थोड़ा दुर्गा आराधना के साथ साथ सरस्वती आराधना भी कर लेते, काम हो जाता।
खुद का हो गया, तू भी नहीं कर पाए। कितना हुआ? 12% ऐसा नहीं बना। 25 minus 3x ये y का वैल्यू क्या आया ये बताओ। 3x y का देखो x plus y तो हम लोग कर चुके थे। एक नंबर x है, x plus y जो है वो दे रहा है 25 by 25x इतना तो कर लिए। अब मुझे ये बताओ y चाहिए आपको, तो x को उधर भेजिए घटाइए, तो y इधर रहने दो। तो इसको एक काम करो उधर जो भी उल्टा करके देखो, क्रॉस करके भी करेंगे तो नहीं होगा, तो सही रहता है वो भी ठीक है। ठीक है तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 25 25 ही आ जाएगा सारा, ज्यादा लेंथी हो जाएगा। भाई अगर घटा ले डायरेक्ट तो आराम से बच जाएगा। y इक्वल टू क्या आएगा? 3x by 25x ठीक है। हाँ वो x मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इतना हुआ। अब पूछा क्या गया है, किसके रिस्पेक्ट में किसका परसेंटेज पूछा गया है? देखो क्वेश्चन में What is the second number is what percent of first number? तो second number जो होगा वो numerator में चला जाएगा और first number जो होगा वो denominator में आ जाएगा। तो क्या करोगे इसके बाद? ये number numerator मतलब this y by x निकालना है आपको, इसका मतलब यही है ना? बोलो y by x into 100। तो y में अगर हम x से divide कर दें like ऐसे, और ये भी x से divide कर दें into 100 कर दें, यही है percentage। पता नहीं देखो एक मिनट रुको, रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ पे देखो पहले यहाँ तक क्लियर है कि नहीं ये बताओ। थ्री कैसे आया? घटाओ तुम कॉफी लेके बैठा हुआ है, कॉफी पेन तक कर क्या रहे हो? तो ये आएगा इतना यहाँ 25 है, यहाँ 28 है, ये 25 है, डिफरेंस निकाल दो, काम करो। मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, सिंपली घटा दो बस ये हो गया। अब देखो परसेंटेज, चुप एकदम चुप रहो। परसेंटेज निकालने के लिए क्या कहते हैं? जो नंबर जितने में आया, मैं से मान लीजिए आपके पास 400 नंबर आया 500 में, तो 400 बटा 500 लिखते हैं और इनटू 100 करते हैं, क्या यही करते हैं ना? इतना तो सबको पता है, सब बचपन से निकाल रहे हो परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यही काम करना है। तो वाई कितने में है? एक्स में वाई है, तो इसको एक्स से डिवाइड कर दो, इसमें भी एक्स से डिवाइड कर दो, क्योंकि इधर अगर डिवाइड कर रहे हैं तो इधर भी करेंगे। एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ पे तो कैंसिल हो गया, तो ये वाई बाई एक्स हो गया। अब इसी में 100 से यहाँ जो मल्टीप्लाई की हो, 100 से मल्टीप्लाई करो इधर, यही परसेंटेज देता है ना, तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर लो। 25 कितना हुआ? 4 बार में कट गया, 4 × 12 आ गया। टेबल पढ़ो, टेबल फिर से वापस भाई बदलना होता है तो क्या करना पड़ता है? जो नंबर होता है उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो फॉर्मूला के थ्रू याद रखो ये, या फिर नंबर जो आता है ना बचपन से कैलकुलेट किया हो, इतना तो कम से कम याद होगा कि परसेंटेज कैसे निकला। 12 एक्स नहीं निकला, एक्स यहाँ डिवाइड किए तो एक्स यहाँ भी डिवाइड किए तो कैंसिल हो गया। 1 by x करने का क्या लॉजिक है? यहाँ पे x डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ भी x डिवाइड कर रहे हैं, लॉजिक समझ में आ रहा है? अगर हम इधर x डिवाइड कर रहे हैं तो आप इक्वालिटी के साइन जो ऑपरेशन इधर कर रहे हैं वही ऑपरेशन आपको इधर भी करना होगा, दोनों तरफ सेम ऑपरेशन कर दिए, कैंसिल हो गया, y by x आ गया इनटू परसेंटेज, यही तो परसेंटेज शो कर रहा है, यही परसेंटेज शो कर रहा है ना, और वही उसी का जो रिजल्ट है वो इधर है, बस आ गया 12। आंसर 12। ज्यादा दिमाग लगाओ, उतना ही लगाओ जितना जरूरी है, काम से ज्यादा दिमाग लगाओगे सब ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बाकी बनाइए आप लोग, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे करते चले जाते हैं। एग्जाम का क्या करना? कौन सा एग्जाम का?
नहीं वो वाला पोर्शन कवर करवा लो, अब तो कंपनी वाला केस खत्म हो गया, अब एक ही महीने है एग्जाम के लिए। हां मैं नाम के लेवल टाइम ही का अभी छठे में भी जाया पूरा, अभी तो आया बस फॉर्म भरने का टाइम है पूरे पूरे वाले, अभी क्या आता है हम सोचते कि क्या है डेवलपमेंट कोर्स कर लिया अभी एंड्रॉइड डेवलपमेंट कोर्स सही में हम लोग मतलब क्या क्या करेंगे, प्रो का होगा फिर से ईटीयू का होने वाला है, कितना करेंगे ऊपर से ही भी बात है, इतना दिन जो आराम किया है ना वो सब एक ही बात है। हमारा लास्ट टाइम लोगों को क्या बोला जाएगा, आप लोग कौन से सेशन से हैं, कोरोना का किया दी होम दी से हम लोग बैठ रहे हैं, हम लोग रेडी हैं, आप लोग जाके चलो ठीक है देर से क्या अटेंडेंस।